Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Shah Ghalib sahab ka shukriya, unhone arbi mein khitab kiya. Abhi abhi hamare zila nigran ka wazir Bhai Suresh sahab yahan tashreef laaye hain. Inke saath MLC Halil Kumar sahab, Madhur ke MLA ke bhai Nanjegoda sahab bhi yahan aaye hue hain aur hamare Kolar ke Lagun Assembly Kattur Manjunath sahab bhi yahan par tashreef laaye hain. Main in sab ka जिला निगरान का वजीर भर्ती सुरेश साहब की खिदमत में जिला निगरान का वजीर भर्ती सुरेश साहब कोलार के लखन सबली कतुर मंजना साहब अनुमन इस्लामिया कोलार की जानिब से उनका भी हेल्प हम कर रहे हैं. अनिल कुमार साहब अंजुमन इस्लामिया कोलार की जानिब से उनकी भी बिल्कुल तहसीलदार साहब के यहाँ आए हुए हैं उनका भी अंजुमन इस्लामिया कोलार की जानिब से गुलाब पेश किया है. माधुर एम एल ए के वाई नंजेगोड़ा साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनका भी अंजुमन इस्लामिया कोलार की जानिब से खैर मुकदम किया है. जनाब अति कन्नड़ी जुबान में मौलाना रियाज अहमद साहब की बयान सुना के चाचा तमीम मौलवी श्याम खालिद वहीदी साहब का भी बयान सुना. अभी एक तरफ हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जनाब सुरेश साहब भी आए हुए हैं और कोलार शहर के एम एल ए जनाब कतुर मंजुनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं के साथ साथ कोलार के एम एल सी जनाब गोविंदराज साहब भी हैं और अनिल कुमार साहब भी हैं. अब प्रोग्राम एक और प्रोग्राम बास्केटबॉल का एक प्रोग्राम है कॉलेज के मैदान में और हमारे मालूम के एम एल ए जनाब मंजेगोड़ा साहब भी मौजूद है वहीं वहीं और बास्केटबॉल का प्रोग्राम है और मुझे और सुरेश साहब को एच एम टी ग्राउंड में मिलाद का जलसा भी तकरीबन यहाँ से डेढ़ घंटे का सफर होगा क्योंकि ये दो और प्रोग्राम है. खुशी की बात है एक तरफ मिलादुन नबी की खुशी है तो दूसरे तरफ अफसोस भी होता है. कन्नड़ी जुबान जितने लोगों को यहाँ पर मदद करना था जितने लोगों को यहाँ पर रहना था उतने लोग यहाँ पर नहीं है. बड़ी तादाद में कन्नड़ जानने वाले पढ़ने वाले लोगों को भी बुलाना चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर उनके मालूम करवाना चाहिए था. ये भी एक हमारी जिम्मेदारी थी. मैं इंशाल्लाह अगले साल का जो जलसा होगा उस जलसे में इंशाल्लाह और कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा हमारे दूसरे प्रोग्राम को भी बुलाएं. मेन मकसद जो है ब्रदरहुड का मेन मकसद जो है किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मदीना मुनव्वरा में मशवरा हुआ करता था. मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के अंदर यहूदियों को भी बुलाया जाता था और दूसरे सारे लोगों को बुलाकर वहां पर बैठ के मशवरा करते थे. अब मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा पहली बार अगर कोई सर्वे हुआ है दुनिया के अंदर तो मदीना मुनव्वरा में सर्वे हुआ था. मदीना मुनव्वरा में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के वक्त कितने घर घर थे कितने लोग बसा करते थे और उनका पेशावर क्या था
और कौन सी जात से उनका ताल्लुक था ये सर्वे उस जमाने में हुआ था। तो उन लोगों को सब बुलाया जाता था, उन लोगों को सब बिठाया जाता था, उन लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी के साथ बड़े अच्छे सलूक सलूक हुआ करता था और हर जलसे में हर प्रोग्राम में वो शामिल रहते थे। और जब बात इस बात की आई कि भी मशवरा हुआ कि यहाँ पर एक ऐसी जैसा हमारे यहाँ जो म्युनिसिपैलिटी है उनसे सिटी म्युनिसिपल काउंसिल है, टाउन पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ऐसा वहां पर जब मामला जब आया, हजरत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तब वहां पर हम लोगों ने ये सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत पे एक ऐसी कमेटी तश्कील हो जो पूरे शहर के अंदर उस कमेटी के जरिए से जिस तरीके से आज हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो उस जमाने में हुआ करता था, सारे लोगों ने मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनाया गया। तो आप लोग इससे जान सकते हैं कि किस तरीके के किरदार थे, किस तरीके के खिलाफ थे, किस तरीके से उनका रसूल था हर कौम के ऊपर। आज हम लोगों को इसकी जरूरत है, हम लोगों को चाहिए कि हम भी इस तरीके का किरदार हमारे अंदर होना चाहिए, हमारा भी सलूक दूसरों के साथ इस तरीके का होना चाहिए, हमको देख कर दूसरे लोग भी हमारे साथ आकर मिलने की कोशिश हम लोगों को करना चाहिए, हम उनको सब साथ में लेकर समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। बस इसके बारे में हम लोग सोचेंगे आते वक्त इंशाल्लाह इसके ऊपर हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगले साल एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें इंशाल्लाह हमारे दूसरे भाई भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से ज़्यादा उन लोगों की यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, उनको बुलाएंगे, उनकी गोदपोशी करेंगे, उनको खाने का इंतजाम करेंगे। इस तरीके से हम हमारे अंदर अभी जो हजरत भी बता रहे थे मोहब्बत, हमारे जो मोहब्बत के साथ उनको बुलाएंगे, मोहब्बत सिर्फ बातों में नहीं है, होंठों में नहीं है, मोहब्बत दिल से होना चाहिए। उन लोगों को भी बुलाकर हमारे तरफ से जो भी हुकूमत की कागजा में थे उसको समझाएंगे, उससे मैं समझता हूँ कि ज़रूर इससे कुछ माहौल बदलेगा, इंशाल्लाह अच्छा एक माहौल बना के अंदर बनेगा। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह।